जेटली ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल मस्करे राजकुमार हैं, जो अपना ही मजाक बनवाने निकले हैं। जेटली ने बताया कि जूनियर वकील को समझाया जाता है कि अगर आप साक्ष्य में मजबूत हैं तो ही साक्ष्यों का सहारा लें, यदि कानून में आप पारंगत हैं तो कानून का सहारा लें, वहीं अगर आप दोनों में ही कमजोर हैं तो मेज पीटने का काम करें। जेटली ने कहा कि राहुल गांधी के सलाहकार उन्हें सिर्फ तीसरे विकल्प के लिए बना रहे हैं। तो अरुण जेटली ने मस्करा शहजादा करार दिया है राहुल गांधी को, और साथ ही साथ मजाक उड़ाया है बकायदा उन्होंने राहुल गांधी का। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये दलील है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अरुण जेटली को लेकर, वित्त मंत्री को लेकर एक टिप्पणी की गई है, जिसमें ये मेंशन है कि इस देश को वित्त मंत्री चाहिए ना कि ब्लॉगर। तो जिस ब्लॉग को लेकर राहुल गांधी कटाक्ष कर रहे हैं, जेटली ने कुछ क्या कुछ लिखा है उस ब्लॉग में, ये हम आपको बताते हैं। तो जेटली का राहुल पर वार, राहुल गांधी के सलाहकार उन्हें सिर्फ तीसरे विकल्प के लिए उपयुक्त बना रहे हैं। राजनीति में सिर्फ मेज पीटने से काम नहीं चलेगा, इसलिए राहुल गांधी के सलाहकार उनके लिए काल्पनिक सच्चाई का निर्माण कर रहे हैं, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक लेना देना रहे हैं। राहुल गांधी का मानना है कि ऐसी झूठी बातों को इतनी बार कहा जाए कि उन्हें खुद वो एक सच्चाई लगने लगे, इसके चलते वो आत्मभ्रम में रहेंगे और खुश होंगे। राहुल गांधी ने इस मनोवृत्ति का परिचय अपने भाषणों और ट्वीट में दिया है। फिर वित्त मंत्री अपनी दलील के पक्ष में 5 ऐसे मौकों का वर्णन करते हैं जब राहुल गांधी ऐसा करते पाए गए हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि प्राइवेट बिजनेस घरानों को 38,000 करोड़ रुपए से लेकर 1,30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा है। फिर राहुल गांधी दावा करते हैं कि जिस लड़ाकू विमान का निर्माण HAL को करना था, वो निजी क्षेत्र की कंपनी करने जा रही है। बुलेटिन में अब